गाजीपुर से श्रवण शर्मा के साथ में अभिनंदन वर्मा की रिपोर्ट। अति प्राचीन श्री कुम्हारी बाबा रामलीला ट्रस्ट यूसुफपुर के मंच से राम का अयोध्या वापसी और राम भरत मिलाप और राम राज्याभिषेक का दृश्य दर्शाया गया। श्री पवहारी बाबा रामलीला ट्रस्ट यूसुफपुर खड़ावा मंचन पर खूब मनोहर दृश्य दर्शाया गया। मंचन स्टार कलाकारों द्वारा दर्शाया गया। राम का अयोध्या वापसी, राम भरत मिलाप और राम राज्याभिषेक का मंचन किया गया। इस प्रसंग का दर्शक भरपूर आनंद उठाए। वहीं ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री पंचम सिंह उर्फ पिंटू जी के द्वारा जिला अधिकारी के गाइडलाइन को देखते हुए और पूर्ण रूप से पालन करते हुए मीडिया प्रभारी राजेश जायसवाल हंसराजपुर व्यापार मंडल अध्यक्ष के सौजन्य से लीला संचालित होने से पहले रामलीला प्रांगण को सैनिटाइज किया गया। फिर दर्शक बंधुओं को क्रम संख्या से स्कैन कर प्रवेश कराया गया। वहीं रमेश प्रजापति और मनीष सिंह डायरेक्टर ने दर्शकों को जागरूक और अपील किए कि आप लोग प्रतिदिन मास्क लगाकर आएंगे और दो गज की दूरी बनाकर बैठेंगे और आइए कुछ पात्रों का नाम से रूबरू हो जाएं। राम के रोल में राजेश्वर सिंह, लक्ष्मण के रोल में आशीष गोपाल सिंह, सीता के रोल में आदित्य दुबे, हनुमान के रोल में सौरभ सिंह, अंगद के रोल में अनिल दुबे। इन कलाकारों द्वारा बहुत ही खूबसूरती के साथ अनुभव का भरपूर इस्तेमाल करते हुए बहुत मर्मस्पर्शी तरीके से रामलीला के मंचन को संचालित किया गया। नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार शर्मा, आप देख रहे हैं अल्पाय एक्सप्रेस न्यूज। आज हम फिर से यूसुफपुर के श्री पवहारी बाबा रामलीला ट्रस्ट पे आ चुके हैं। यहाँ पे आज रामलीला के समापन का दिन था। रामचंद्र जी रावण पे विजय प्राप्त करके वापस अयोध्या आ चुके हैं। आज यहाँ से राम भरत मिलाप और राम अयोध्या वापसी का दृश्य दिखाया गया, क्योंकि जब जब अधर्म का उदय होता है भगवान किसी न किसी रूप में अवतार लेके अधर्म का नाश करते हैं। और इसी के साथ हमारे साथ तमाम पदाधिकारी और पात्र लोग मौजूद हैं। आइए हम इनसे रूबरू करवाते हैं आपको। हमारे साथ श्री पवहारी बाबा रामलीला ट्रस्ट के श्री रामचंद्र जी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे पहले हम आपको रूबरू करवाते हैं। सर अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम राजेश्वर सिंह है जी। सर आप श्री रामचंद्र जी का कृत्य निभाए हैं, उस कृत्य से आप क्या अनुकरण किए हैं और क्या हमारे दर्शकों को आप कहना चाहेंगे? हम ये बताना चाहते हैं कि राम का रोल करने में एक आदर्श मिलता है, एक परिवार में किस प्रकार रहा जाता है, क्या शिष्टाचार है एक भाई के प्रति भाई का, पिता के पुत्र प्रति पुत्र का। तो राम का रोल करने पे बहुत कुछ मिलता है सीखने को और राम का स्मरण करने पे तो सब कुछ मिलता ही है। जी बिल्कुल, धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद हैं श्री पवहारी बाबा रामलीला ट्रस्ट के अध्यक्ष जी। आइए हम इनसे आपको रूबरू करवाते हैं। सर अपना नाम बता दीजिए। पंचम सिंह। सर आप तमाम पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियों के साथ साथ आप इस रामलीला ट्रस्ट की अध्यक्षता कर रहे हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है? मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं जी कि अध्यक्ष पद पर समस्त ग्रामवासियों ने मुझे चुना है जी। भगवान श्री राम की कृपा से इस पद का निर्वहन सुचारू रूप से करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ जी। मेरा उद्देश्य श्री पवहारी बाबा रामलीला ट्रस्ट मंचन को पूरे उत्तर प्रदेश में नंबर वन स्थान दिलाने का है। जिस दिन उत्तर प्रदेश में मेरी रामलीला को स्थान मिल जाएगा उस दिन मेरा संकल्प पूरा हो जाएगा। इस संकल्प को पूरा करने के लिए मरते दम तक मैं प्रयास करता रहूंगा। सर आप यहाँ पे किसी कृत्य को करते हैं इस मंच के माध्यम से। हमारे साथ मौजूद हैं श्री पवहारी बाबा रामलीला ट्रस्ट के बहुत ही बेस्ट कलाकार। आइए हम आपसे इनको रूबरू करवाते हैं। सर अपना नाम जी। मेरा नाम डॉक्टर रामोद कुशवाहा आचार्य जी, और मैं परशुराम का रोल भी अदा करता हूँ जी। और जो भी जो कोई भी रोल अदा करता हूँ जी, लगभग 99% उसी के रूप में हो जाता हूँ जी। और मुझे अच्छा लगता है कोई भी अभिनय करना जी। और अभिनय करना और पात्रों को सजाना जी। और जब मैं किसी पात्रों को सजाता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं भगवान राम को ही सजा रहा हूँ। और मुझे बिल्कुल यह मुझे एहसास होता है और ईश्वर की आस्था मेरे अंदर बहुत अधिक है या ईश्वर की कृपा ही समझे जाए जी। तो मेरा यह मानना है कि ईश्वर से जुड़ने का एक यही तरीका है। अब जब तक
हम जीवित रह रहे हैं जी, ये अभिनय ही कर रहे हैं जी, और यहाँ पे तो हम मंचन करते हैं जी, मंचन करने के बाद भी जो कोई भी काम हम करते हैं वो एक अभिनय की तरह ही हमें लेना चाहिए जी, मेरा यह मानना है। और जब तक हम किसी भी काम को अभिनय की तरह हम नहीं लेते हैं, अब हमारा जीना भी बिल्कुल कठिनतर हो जाता है। तो यदि हमें संसार में अच्छे से जीना है तो हर एक काम को जब परिवार में रह रहे हैं तो भी हमें अभिनय की तरह लेना चाहिए जी, और उस अभिनय को यदि हम पिता के रूप में हैं, पुत्र के रूप में हैं, भाई के रूप में हैं, तो वो हमारा पुत्र भाई और किसी का भी प्रति जो हमारा अभिनय है ठीक इस मंचन में जैसा हम करते हैं वैसा वहाँ भी होगा। तो कहा जाता है कि उसमें भी कर्म में लिप्त नहीं होंगे, तो भगवान ने कहा है कर्मण्येव वाधिकारस्ति मा फलेषु कदाचन, तो इसका तात्पर्य भी यही है कि हमें कर्म करने चाहिए, उसके फल में इच्छा नहीं रखनी चाहिए कि फल हमें क्या मिलेगा। तो फल तो बिल्कुल मिश्रित मिलता है, और तुलसीदास जी रामायण की स्टार्टिंग में ही कह देते हैं कि भगवान शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, तो श्रद्धा और विश्वास के रूप भगवान और शंकर की वंदना कीजिए, तभी हमें राम जो राम रग रग में वास करता है, जिसके लिए भगवान शिव कहते हैं राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम बराना, ने कहते हैं कि देखिए पार्वती ये राम नाम जो है सहस्र नाम के तुल्य के बराबर है, इसलिए बहुत संतोष हमने सुना है कि देखिए राम नाम जो है तिनके के तरह से सागर को तार देने वाला है। तो इस तरह से राम नाम बिल्कुल जब सहस्र नाम के बराबर है तो तिनका तो बहुत बड़ी बल्ली भर जाएगा, इसलिए बस इतना ही हम कहना चाहेंगे सभी पात्रों से और पूरे हम जितना भी हम संदेश देना चाहते हैं उत्साहवर्धन में आप कुछ कह दीजिए पात्रों के उत्साहवर्धन में, तो बस इतना ही हम कहना चाहेंगे कि आप जो लोग भी इस रामलीला मंच से श्रद्धा से जुड़े हैं उनका हर तरह से आर्थिक मानसिक और शारीरिक रूप से कल्याण ही होता रहा है और होता रहेगा जी। बिल्कुल धन्यवाद हमारे सबका। हमारे साथ मौजूद हैं श्री पवारी बाबा रामलीला ट्रस्ट के मीडिया प्रभारी जी, हम इनसे बात करना चाहेंगे। सर यहाँ पे जो हम लोगों ने मेहनत किया मीडिया के माध्यम से 10-12 दिन, उससे आपको कितनी संतुष्टि मिली है उसके बारे में कुछ बताएं। सबसे पहले तो अल्पाई न्यूज एक्सप्रेस जो चैनल है जी, उसके चीफ एडिटर संतोष नाइक जी, किरण नाइक जी, और यहाँ गाजीपुर के मीडिया संवाददाता श्रवण कुमार जी जी, अभिनंदन वर्मा जी और उनके टीम के सहयोगी, हम समिति के तरफ से श्री पवारी बाबा रामलीला ट्रस्ट के तरफ से हृदय से कोटि से धन्यवाद प्रेषित करते हैं कि जो आपने हमारी लीला का जो हमारे अध्यक्ष जी का जो सोच है जो इसको एक आदर्श लीला का प्रदेश में अपना स्थान सुनिश्चित कराने की जो उनका निर्णय है उनकी सोच है उसमें आपने पंख लगाने का जो काम किए हैं, इससे हमारी रामलीला समिति अल्पाई न्यूज का आजीवन ऋणी रहेगा। और बहुत ही अच्छा जो आप लोग का गाइडलाइन रहा है सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन रहा है उस पर भी आपने हमारे समिति को हमारे ट्रस्ट को हमेशा आप ऊर्जा देते रहे हैं, उसको आप जो संदेश देते रहे हैं, और हमारे जो यहाँ दर्शक थे उनका जो आपका लगातार 12 दिन का जो टेलीकास्ट चला है उस टेलीकास्ट का अभी तो आप हर प्रतिदिन जो है उसका हम लोगों के न्यूज़ चैनल पर देखने को मिल रहा है, उससे बहुत ही इच्छा की किरण जो है हम लोग की जगी है कि हमारे जो अभिनव किए हैं हमारे पात्र बंधु जो हमारे समिति के द्वारा जो यह मंचन हुआ है हमारे जिला जवाहर ही नहीं प्रदेश ही नहीं देश और विदेशों में हमारे मंचन को लोग देख रहे हैं और भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं, और उनके द्वारा हम लोगों के ऊपर फोन से जो है आशीष वचन भी मिल रहे हैं, हम लोग बहुत बहुत ही खुश हैं। और हमारी समिति जो है आपका और अल्पाई न्यूज के पूरी टीम का हृदय से धन्यवाद देती है, और इस क्षेत्र में गाजीपुर में जो अल्पाई न्यूज का एक भ्रष्टाचार मुक्त यहाँ जो संदेश चल रहा है एक उनका कार्यक्रम चल रहा है, मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आने वाला भविष्य में जो अल्पाई न्यूज निर्भीक निष्पक्ष और पारदर्शी और अति तीव्र गति से जो समाचार का संपादन करती है इससे हमारे जितने हमारे यहाँ पात्र बंधु हैं गाँव के क्षेत्र के लोग जो है सुबह जब जगते हैं
हैं तो आपकी न्यूज का जो यहाँ चलता है उसको लोग जो है पढ़ते हैं, देखते हैं और उनके अंदर विश्वास है कि हमारे ऊपर कभी कोई इस तरह की कोई घटना होती है तो आप निष्पक्ष होकर के मुझे न्याय दिलाने में हम लोग का सहयोग करते रहेंगे। हम इसी से आपका हृदय से अल्पाई न्यूज का आपका ज्ञापन और इस ट्रस्ट के तरफ से भी श्री प्रभारी बाबा रामलीला ट्रस्ट की तरफ से आप लोग का हृदय से हम लोग जो है धन्यवाद देते हैं और आने वाले समय में भी आपसे यही उम्मीद करते हैं कि हमारे इस रामलीला को आदर्श रामलीला बनाने में आपका सहयोग हमको मिलता रहे। धन्यवाद जी। धन्यवाद। आप देख रहे थे अल्पाई एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूँ आपके साथ श्रवण कुमार शर्मा गाजीपुर से। दर्शक मंचन को प्रभावशाली कर बनाने के लिए जितेंद्र उर्फ जीतू का हार्दिक धन्यवाद करते हैं जिन्होंने अपने आर्गन के माध्यम से इसको रोचक बनाया। 2020 की आय का स्पष्ट विवरण, नगद पुरस्कार इस मंच से प्राप्त हुआ है 27,563 रुपया। गांव से चंदा मिला है डॉक्टर भूपेंद्र सिंह उर्फ झब्बू, विजय नारायण सिंह उर्फ राजसाधु एवं जयशंकर मौर्य के द्वारा 14,050 रुपया। रमेश सिंह सना स्वर्गीय झूरी सिंह चुमनी एवं अरविंद कुमार सना बटोर हरजन के द्वारा 4,163 रुपया। अवन नारायण सिंह उर्फ मनोज सिंह इनके द्वारा गांव से चंदा एकत्र किया गया है 12,980 रुपया। इस तरह कुल गांव से चंदा 31,193 रुपए प्राप्त हुए हैं। 2000 की कुल टोटल आय बन रही है इस तरह से 58,756 रुपया। व्यय का स्पष्ट विवरण, माइक एवं पंडाल पर खर्च हुआ है 40,000 रुपए, जनरेटर एवं लाइट पर 31,300, साज सज्जा पर खर्च हुआ है 23,662 रुपए, बल्ली एवं पाइप इत्यादि पर खर्च हुआ है 2,000 रुपए, विदाई पर लगभग खर्च है 3,600 रुपए, पात्रों को मिष्ठान वितरण एवं प्रसाद पर खर्च है 13,500 रुपए, अन्य उपकर खर्च पर लगभग 2,000। इस तरह कुल खर्च आया है 1,16,062 रुपए। टोटल खर्च 1,16,062 रुपए और आय आई है 58,756 रुपए। इस तरह रामलीला समेत ट्रस्ट इस वर्ष घाटे में है 57,306 रुपए, लेकिन हमारी पिछले वर्षों की बचत जो हमारे बैंक खातों में 1,01,000 है उसमें से यदि हम 57,306 रुपए को घाटे को निकाल दें तब भी हमारे बैंक से में शेष 43,706 रुपए बच रहे हैं। आदरणीय दर्शक बंधुओं, गांव से सहयोग राशि उपलब्ध कराने वालों में रमेश सिंह सना स्वर्गीय झूरी सिंह चिमनी, अरविंद कुमार सना बटोर हरजन, विजय नारायण सिंह उर्फ साधु, डॉक्टर भूपेंद्र सिंह, जयशंकर मौर्य, अवन नारायण सिंह उर्फ मुरहू सिंह एवं जय गोविंद दुबे का नाम बड़ा ही सराहनीय योगदान रहा। आप सभी लोगों को मैं रामलीला ट्रस्ट की तरफ से धन्यवाद अर्पित करता हूँ। लखनऊ से प्रदेश के 3 बड़े अधिकारियों द्वारा रामलीला ट्रस्ट को करीब 1,00,000 की सहयोग राशि की उद्घोषणा की गई है, उम्मीद है जल्द ही खाते में आएगा। इसके लिए हमारे ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री पंचम कुमार सिंह बधाई के पात्र हैं। श्री शशि बाबा एवं पात्रों को सजाने संवारने वाले इस कला में जिन्होंने महारत हासिल है राम अवध मौर्य एवं परशुराम मौर्य, सजावट में दक्ष माखन मौर्य को मैं रामलीला ट्रस्ट के तरफ से हार्दिक धन्यवाद अर्पित करता हूँ।
इसी क्रम में लाउड स्पीकर एवं पंडाल की व्यवस्था उपलब्ध कराने वाले स्वामी हरिहरानंद जी महाराज एवं प्रचार में सहयोग देने वाले टेम्पू मालिक पप्पू एवं हुड्डू गुप्ता को मैं बार बार धन्यवाद अर्पित करता हूँ। जनरेटर यानी लाइट की व्यवस्था देने वाले पिप्पू सनाथ स्वर्गीय विज्ञान गुप्ता हंसराजपुर, रामलीला ग्राउंड की सफाई की व्यवस्था देने वाले मनीष शर्मा, मोहम्मद इद्दू, हरेंद्र मौर्य, मोहम्मद गुड्डू इद्रीसी एवं ओपी सिंह चिमनी को मैं ट्रस्ट की तरफ से धन्यवाद अर्पित करता हूँ। रामलीला के उपाध्यक्ष श्री राम मदन सिंह जो इस समय कुछ अस्वस्थ हो गए थे, रामलीला ट्रस्ट एवं ग्रामवासियों की तरफ से मैं उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए ईश्वर से कोटि से प्रार्थी हूँ। संयोजक श्री जयगोविंद दुबे के सराहनीय योगदान के लिए रामलीला ट्रस्ट की तरफ से उन्हें मैं बार बार धन्यवाद अर्पित करता हूँ। ट्रस्ट के महामंत्री अजय प्रताप सिंह कुछ अस्वस्थ होने के बाद भी हमें पूरा सहयोग दिए, इसके लिए ट्रस्ट की तरफ से मैं उन्हें लाख लाख बार धन्यवाद अर्पित करता हूँ। मंत्री के रूप में जनार्दन सिंह सरोदय के बारे में कुछ भी कहना कम ही है, मैं इनको ट्रस्ट की तरफ से बार बार धन्यवाद अर्पित करता हूँ। ऑडिटर के रूप में अवन नारायण उर्फ मुरऊ सिंह, स्व ऑडिटर विजय नारायण सिंह उर्फ साधु एवं उमेश सिंह का योगदान बड़ा अच्छा रहा, आप लोगों को ट्रस्ट की तरफ से धन्यवाद अर्पित करता हूँ। ट्रस्ट के मीडिया प्रभारी राजेश जायसवाल का रामलीला ट्रस्ट के प्रति सराहनीय योगदान रहा और हमेशा रहता है, आपको रामलीला ट्रस्ट की तरफ से धन्यवाद अर्पित करता हूँ। मंच संचालन में अध्यापक रमेश प्रजापति की दक्षता ने बड़ा ही रंग लाया, इसके लिए उन्हें मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। श्री शिव बच्चन दुबे के सान्निध्य में ट्रस्ट के निर्देशक उदयभान सिंह एवं मनीष सिंह चिमनी के उत्कृष्ट मंचन की सफलता की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम ही है, इसके लिए रामलीला ट्रस्ट तथा सभी पात्रों की तरफ से मैं लाख लाख बार धन्यवाद अर्पित करता हूँ। रामलीला ट्रस्ट के प्रमुख पात्र पंचम सिंह, सीताराम सिंह, संगीत के प्राध्यापक एवं प्रमुख गायक राजेश्वर सिंह, आशीष सिंह उर्फ गोपाल सिंह, संजय सिंह, दिवाकर सिंह, राम अवतार सिंह, कृष्णा उर्फ बुच्ची बाठोर, अनिल दुबे, अशोक दुबे, ट्रस्ट के पुराने और अनुभवी कलाकार कमाल चंद भट्ट, मूलचंद भट्ट, दिनेश भट्ट, फूलचंद भट्ट, हास्य कलाकार विनोद सिंह, यशवंत सिंह, अजय सिंह, अशोक सिंह उर्फ पप्पू सिंह, हर्ष दुबे, प्रकाश गुप्ता, रामवत कुशवाहा, रामशीष दुबे, भास्कर दुबे, माइकल दुबे, जो करीब 60 की संख्या में हैं, मैं इन सभी पात्रों को मैं अपनी तरफ से, रामलीला और दर्शक बंधुओं की तरफ से लाख लाख बार धन्यवाद अर्पित करता हूँ। रामलीला ट्रस्ट तथा पात्रों को, दर्शक बंधुओं, माताएं, बहनों एवं बच्चों का पूरा सहयोग मिला, इसके लिए रामलीला ट्रस्ट आपकी आभारी है। ट्रस्ट पुरस्कार दाताओं एवं चंदादाताओं का, जिनका पात्रों के उत्साह वर्धन में पूरा सहयोग मिला। इस तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की आगे माता शब्द का प्रयोग हुआ है, विश्व के किसी देश को उठा के देख लीजिएगा, किसी देश के नाम के आगे माता शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। भारत माता, हम उसकी संतान है। तमाम पंक्ति चौपाई को देखेंगे, एक एक चौपाई एक एक मंत्र। भरत के द्वारा हमने क्या सीखा, हमने त्याग सीखा। जब लक्ष्मण जी कहते हैं कि देखिए भैया, यह अकेला जानकर के वन में हम लोगों पर आक्रमण करने के लिए आ रहा है कि मैं अयोध्या में निष्कंटक बाजी करूं, उसमें भगवान राम क्या करते हैं? नहीं, लक्ष्मण नहीं, भरत है। वो ही राजमद बिनु हरिहर पद पर कहे कि उसको राजमद हो ही नहीं सकता, चाहे वह ब्रह्मा विष्णु और महेश का पद क्यों ना पा जाए। तो यह एक जीने की कला है कि हम किए कैसे,
मैं तो यही अपील करना चाहूंगा अपने समस्त लोगों से, आए हुए समस्त लोगों से, कि अगर हम आकर के अगर कुछ सीखे नहीं, कुछ जीवन में उतारे नहीं, तो मेरा उसी प्रकार का झरकांड के टीम के कुछ लड़के मंदिर पर थे, चर्चा हो रही थी, भुवनेश्वर थे और राजू थे, हमने कहा दोनों लोगों से चर्चा हो रही थी, हमने कहा तपस्या करने के लिए जंगल में चलना है, ऐसी परंपरा रही है, और कहा कि चतुर्थी किम परिचित, अर्थात जो चौथी अवस्था है उस अवस्था का कोई भरोसा नहीं, अगर तीन अवस्था में हमने काम नहीं किया तो अर्थात चौथी में तुम क्या करोगे, जिस अवस्था का कोई ठिकाना नहीं है। एक चीज और, कभी कभी मंच के आसपास मैं बातों को कह देता हूं जो मुझे ठीक लगता है, और मैं अपने मन की बात इस रामलीला मंच के तले क्यों जाते कि उनका अनबल हो जाए। हमारा यद्यपि यह सत्य है, अगर हम रामायण को मानते हैं तो हमारे चाहने से कुछ नहीं होता, लेकिन अगर कोई अच्छा करता है तो प्रसन्नता होनी चाहिए। जो आज के समाज में देखने को नहीं मिल रहा है, प्रसन्नता की जगह अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो दुख हो रहा है। दूसरी चीज, मंच के माध्यम से एक बात और कहना चाहूंगा, एक भावना, अब चाहे कोई गांव चाहे कोई व्यक्ति, जो रामायण को थोड़ा सा जी ले, करोड़ों हिस्सा जी ले, उसका जीवन सार्थक हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए आने वाली पीढ़ियों से, और जो यहाँ बैठे हैं और जो हमारे बहुत विद्वान जो घरों में अच्छी नींद ले रहे हैं, कहीं ना कहीं से आपने कभी सोचा यूसुफपुर गांव कुछ माने में बेमिसाल है? आज तो मुझे इतनी ऊर्जा और भी मिली जब मैं देखा कि भगवान राम यहां से जाकर के और आपके गांव का सौभाग्य, एक दिव्य मंदिर भगवान राम की जो हम लोग कथा के रूप में सुनते आते हैं, संक्षेप में कहना चाहूंगा, बताइएगा जब समय जहां बताएंगे वही मैं विराम लूंगा, ठीक है? तो एक वह मंदिर जिसके बारे में हम लोग सुनते आए हैं, कोई भैंसा करता है, कोई बैल करता है, एनीवे केवल विषय यह है कि भाव क्या है, हम उस पर चले। किसी जानवर से वो मूर्तियां जा रही थी, शायद वहां बरगद का कोई पेड़ था और वहां विश्राम करने के लिए वह बड़े एटमिन व्यापारी वहां रुका, और उसके बाद लोग बताते हैं कि जब वह चलने की तैयारी किया तो जैसे ही मूर्ति को उस जानवर पे रखा जाता था, वह मूर्ति